कोलकाता की एक श्रद्धालु महिला के एटीएम से 25,000 रुपए किसी अज्ञात व्यक्ति ने पार कर दिए, जिसकी शिकायत महिला श्रद्धालु द्वारा कोतवाली में की गई। कोलकाता से वृंदावन दर्शनार्थ आई एक महिला श्रद्धालु के बैंक खाते से हजारों रुपए की नकदी निकाले जाने का मामला सामने आया है। थाने पहुंची पीड़िता ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। कोलकाता के विराटी की रहने वाली किरण मानपुरिया पत्नी कमल मानपुरिया अपने परिवार के साथ 13 दिसंबर को वृंदावन दर्शनार्थ आई थी। इस दौरान महिला ने 13 दिसंबर को एटीएम से 20,000 रुपए निकाले थे। वहीं 14 दिसंबर को सुबह बैंक से आए मैसेज को देखकर महिला के होश उड़ गए। मैसेज में 25,000 रुपए निकाले जाने की जानकारी देखकर महिला सकते में आ गई और थाने जा पहुंची। श्रद्धालु महिला ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। पीड़िता के अनुसार एटीएम से 3 बार में 25,000 रुपए की नकदी निकाली गई, जबकि एटीएम उसके पास ही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं किरण मानपुरिया। कहां से आए हैं आप? कलकत्ता से। वृंदावन दर्शन करने आए? दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या घटना हुई, आज थाने आए हैं आप? कल मैंने अपने खर्चे के लिए 20,000 रुपया निकाले, फिर सुबह एटीएम से निकाले थे। एटीएम से 13 तारीख को, फिर 14 तारीख को सुबह ना 25,000 और किसी ने निकाल लिया, तो हमारे पास ना खबर आई, मैसेज आया, तो उसके अंदर फिर हम लोग ना यहाँ पर थाना में कंप्लेन लिखवाने आए हैं। मैसेज कब आया था पैसे निकलने का? 7:29 मतलब आज सुबह मैसेज आया था। आज ही निकला, तो पैसे आज ही निकले हैं या कल निकले थे? आज ही निकले सुबह ही। 25,000 रुपए? हाँ। तो अब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए हैं।